मथुरा हिंसा की सीबीआई जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की याचिका रद्द करते हुए सीबीआई जांच कराने का आखिरी फैसला राज्य सरकार पर ही छोड़ दिया है। साथ ही कोर्ट ने बीजेपी और केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है। देखिए एक रिपोर्ट। मथुरा हिंसा को लेकर हो रही राजनीति के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की याचिका को औंधे मुंह गिरा दिया है। मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बीजेपी को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए कहा कि यह मामला अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है, ऐसे में हम अभी कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच अभी राज्य सरकार कर रही है, केंद्र सरकार इसकी सीबीआई जांच नहीं करा सकती। ऐसे में याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं। दरअसल इस मामले में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को ये निर्देश दे कि वो मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश करे। अश्विनी का आरोप है कि राज्य सरकार मामले में लापरवाही दिखा रही है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ही फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या कोई सबूत है कि उत्तर प्रदेश सरकार जांच में ढिलाई बरत रही है। जब तक इस बात का कोई सबूत नहीं है तो हम इसमें कोई दखल नहीं देंगे, और ऐसे में केंद्र भी जबरदस्ती सीबीआई जांच थोप नहीं सकता। आपको बता दें कि बीजेपी शुरू से ही इस मामले में आरोप लगा रही है कि राम वृक्ष की सेना को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त था। यूपी सरकार को निशाने पर लेते हुए बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि ऐसी क्या बात थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 300 लोगों को इतना बड़ा प्लाट दे दिया। इन्हीं आरोपों की वजह से ही बीजेपी मामले की सीबीआई जांच चाहती है, लेकिन यूपी सरकार इसके पक्ष में नहीं है। यूपी सरकार का कहना है कि राज्य सरकार की एजेंसी जांच कर रही है, लिहाजा सीबीआई से जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला यूपी सरकार के लिए राहत भरा माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला यूपी सरकार के लिए थोड़ा राहत भरा जरूर है, लेकिन जिस तरह से इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बन रहा है, ऐसे में अखिलेश सरकार क्या फैसला लेती है ये देखना फिलहाल बाकी है। देखते रहिए डीवी लाइव।